हेलो दोस्त, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट्स। गाइज, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जाम्स 21 के सॉल्ट पेपर के बारे में। अभी हाल फिलहाल में 1 अगस्त को एग्जाम्स हुआ था यूपी में। यूपीएससी की तरफ से रिलीज हुई थी वैकेंसी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की जिला उद्यान अधिकारी पोस्ट के लिए। सो ये वीडियो पूरी तरीके से यूपीएससी की सॉल्ट पेपर है, यो भी 2021 की। सो एक एक क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे आए होते हैं, ठीक है। 120 में 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं, 40 क्वेश्चन अदर होते हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से मैं पूरी 120 क्वेश्चन के आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आपको पूरी तरीके से ऑफिशियल पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में जो नई वैकेंसी आई थी यूपीएससी डीएचओ की, उसकी सॉल्यूशन पेपर, इसमें मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। कैसे यहां पे पूरी तरीके से ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली जो हमारी यहां पे दो सेक्शन है, जिसमें कि पहला सेक्शन है जनरल स्टडीज का जिसमें 40 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद सेकंड सेक्शन है एग्रीकल्चर का जिसमें 80 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और ये सीरीज ए है, यानी कि सेक्शन ए हमारा जो कि बुकलेट नंबर ए है। टोटल 4 टाइप्स के बुकलेट थे, ए बी सी डी, और पहली बुकलेट हमारी ए। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ इंडिया ने कोविड के सिचुएशन में 2020 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की, वहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीज की है, वो कंट्री है इंडोनेशिया। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा मैथमेटिक्स से रीजनिंग से क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है, यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 रुपये में बेच कर 20% लाभ प्राप्त करता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था? तो कार का वास्तविक मूल्य, यानी कि उसके दोस्त ने उसको 50,000 रुपये में बेचा था। आप इस क्वेश्चन का सलूशन अपने क्वेश्चन लिखने के बाद आप खुद से इसको कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ विद क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरी तरीके से ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का ऑफिशियल आंसर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसका एग्जाम्स कल की डेट में ही हुआ था और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, चीन के पहले मार्स मंगल रोवर का क्या नाम है? तो जो पहला फर्स्ट मार्स रोवर है चीन का, वो है जेहरोंग, ठीक है। जेहरोंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेब्लिश? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित की है? इसका राइट आंसर होगा रायबरेली में, और ये स्टेब्लिश हुआ था जब वहाँ पे सोनिया गांधी सांसद थी तब का ये स्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। रायबरेली इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में श्रृंखला के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? इसका होगा इन्वर्टेड, ठीक है। पैरासिटिक जो मोड होगा, फूड चेन होगा, वो होगा इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा चेन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में, यानी कि दिए गए सीक्वेंस में आपको जो मिसिंग नंबर है उसको खोजना है। तो ये सीक्वेंस दिया गया है नंबर्स का और इसमें मिसिंग नंबर क्या है उसको बताना है, तो इसका मिसिंग नंबर होगा 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी में है? तो इसका राइट आंसर होगा पुलकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साझेदारी में, साउथ इंडिया के, ये तमिलनाडु में है, आप इसको बॉर्डर बोल सकते हो, आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। राइट आंसर इसका पुलकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिन 240 है, यदि महीना 30 दिन का हो और एक तारीख को रविवार हो तो उस महीने में दर्शकों की औसतम संख्या कितनी होगी? इसका राइट आंसर होगा 285। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फड़ीधर गुजरात में भारत ने अपना पहला फूड मेगा पार्क इटली के साथ मिलकर फड़ीधर गुजरात में स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीरी मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नीरी भी बोलते हैं। इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है, नेशनल हेडक्वार्टर, वो कहाँ पे है? तो नीरी का हेडक्वार्टर यहाँ पे नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों का योग 3 है तो उनके वर्ग का योगफल 12 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा -3/2। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है, भारतीय संविधान में जो 100 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू बांग्लादेश एग्रीमेंट विथ लैंड बॉर्डर, ठीक है। इंडिया के साथ जो हमारा इंदिरा गांधी और इंडिया ने मिलके जो भूमि समझौता किया था, लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ मिलकर, वो हमारा भारत का 100वां संशोधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला के साथ भूमि सम्मा समझौता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो राइट सर, आपको सबको पता है जो एग्रीकल्चर पढ़े होंगे, इंटोमोलॉजी जिनको पता होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मकड़ी।
मकड़ी कोई कीट नहीं है, और तिलचट्टा भी कीट है, और वो पोड़ा तितली भी कीट है, मच्छर भी कीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन विच प्लेस, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा तारापुर में। तारापुर में भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर बट्टा ए % तथा बी % तुल्य है बट्टा। इसका राइट आंसर होगा ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th नंबर, नोवाक जोकोविच और स्टेफनास सित्सिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी क्रमशः किन देशों से हैं। तो सबको पता है यार नोवाक जोकोविच के बारे में, सर्बिया से हैं, बट बहुत लोग को इनके बारे में नहीं पता होगा, स्टेफनास सित्सिपास। तो स्टेफनास हैं जो ग्रीस कंट्री से हैं, और जो नोवाक है वो सर्बिया से हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया और ग्रीस। अगला क्वेश्चन है 17th नंबर, विच ऑन द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन सेल्यूलॉइड फाइबर, गैर सेल्यूलोसी रेसे का उदाहरण है। तो इसका सबसे सिंपल उदाहरण है नायलॉन, ठीक है, राइट आंसर होगा इसका नायलॉन। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा 18th नंबर, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में एक भी सीट आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व नहीं रहती है, ये राज्यसभा में रहती है लेकिन लोकसभा में नहीं रहती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है। तो जाहिर सी बात है जो भी डिस्ट्रिक्ट यूपी का एनसीआर एरिया में आता होगा वो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के साथ उसका, हरियाणा के साथ उसका, हिमाचल प्रदेश के उसका बॉर्डर लगता है, ठीक है। सहारनपुर हालांकि संडा प्रदेश से, यहाँ पे सेब वगैरह भी एप्पल होते हैं, तो सेब अक्सर हिमाचल प्रदेश से लेकर जो सहारनपुर का एनवायरमेंट है उसका बेल्ट है वहाँ पर। उसका राइट आंसर होगा सहारनपुर, ठीक है। सोनभद्र बिल्कुल नहीं होगा, मुजफ्फरनगर बिल्कुल नहीं होगा, मेरठ और सहारनपुर में दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से मेरठ जो है हरियाणा और उत्तराखंड से लगता है लेकिन हिमाचल से नहीं लगता है, लेकिन सहारनपुर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड तीनों स्टेट से लगता है। इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डिजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण। दोस्त अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया। तो इसका राइट आंसर होगा प्रदोत। दोस्त अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के सातों स्तंभों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन को नीति आयोग के किसी भी पिलर्स में पार्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया अनएम्प्लॉयड इन इंडिया बेरोजगार क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि नीति आयोग के सात स्तंभों में रोजगार सृजन, जॉब क्रिएशन को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन। दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, यानी कि उत्तर प्रदेश केंद्र जन कौन से डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है। तो अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है, संत कबीर का खलीलाबाद में, कानपुर का बिधुना में, लेकिन अंबेडकर नगर का अकबरपुर में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबेडकर नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक गज का एक मीटर 91% है, एक मीटर एक गज का कितने प्रतिशत होगा। इसका राइट आंसर होगा 109.9%। दोस्त अगला क्वेश्चन, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको ये पता होगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन का जो बेस है वो पूरी तरीके से रॉकेट के एग्जांपल पे डिपेंड है, यानी कि रॉकेट जो वर्क करता है, जो रॉकेट का प्रिंसिपल है, वो मोमेंटम कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट है। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था, यानी कि फॉलोइंग स्टार्टेड इंडियन सोशल रिफॉर्मर इन 1890। तो इसका राइट आंसर होगा के एन नटराजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, सुरेश तेंदुलकर, एनसी सक्सेना, अमर्त्य सेन, एस आर हाशिम। इसको राइट आपको मैच करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो होगा, यानी कि सुरेश तेंदुलकर गरीबी रेखा से रिलेटेड है, एनसी सक्सेना ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल गणना से, अमर्त्य सेन गरीबी का क्षमता दृष्टिकोण, एस आर हाशिम में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल की गणना से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले को चुना गया। तो लकड़ी का खिलौना हमेशा से फेमस रहा है महाभारतकालीन चित्रकूट से, ओके, रामायणकालीन चित्रकूट से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी के दक्षिण में है तथा सी बी के पूर्व की ओर है तथा ए सी के संदर्भ में किस दिशा में है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम में। दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान सेंटर्स के लिए अवेलेबल है। सो राइट से बात, जिसके लास्ट में 1551, यानी कि आप लोगों ने जब सुबह सुबह न्यूज़ में देखते हो, किसान न्यूज़ वगैरह वगैरह में ये आपको ऐड देखने को मिलता होगा कि 1800 1801551, ये किसानों का टोल फ्री नंबर है किसान सेंटर्स हेल्पलाइन नंबर के लिए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की गई? इसका राइट आंसर होगा बिलीव। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रुहेलखंड शहादत खां, ये बिल्कुल गलत है। दोस्त अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंसों में दुग्ध जुआर रोग होने का मुख्य कारण है वो कैल्शियम की कमी। आपको तमाम सारे यहाँ पे पेपर मिलेंगे जो कि अलग अलग सेट होंगे, लेकिन जो ये सेट, जिस सेट से मैं आपको बता रहा हूँ, सेट नंबर ए है, आपको सेट बी होगा, सेट सी होगा, सेट डू, ठीक है। लेकिन चारों सेट के क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है। चाहे कि बात करें क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे सेट डी में पहले नंबर पर दिया गया, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे ए सेट में 33वें नंबर पर दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम की कमी से गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर का होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल नेशनल ब्यूरो कहाँ पर स्टेट है? ये है मऊ में, यूपी के मऊ डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में लुप्त संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 17। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसका राइट आंसर है 17। अगला क्वेश्चन है, 36 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है यूपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा है? तो ये है इनकम इनइक्वालिटी से, यानी कि आय की असमानता से गिनी गुणांक मैटर करता है, जो कि इनकम इनइक्वालिटी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो संतरे का उत्पादन हमेशा से जो ठंडे एरिया हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर का यूके और यूके मीन्स उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से जुड़ा हुआ स्टेट है, वो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे संतरे का उत्पादन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है मरकार लायन ऑफ द अरेबियन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया? बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, इसका राइट आंसर डेल्टा होगा, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया कि कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण, यानी कि कोविड को यूनाइटेड किंगडम में क्या संस्करण, यानी कि कोविड जो है कोरोना वायरस, उसको वेरियंट को यूके में, ब्रिटेन में, लंदन में किस वेरिएंट के नाम से जाना जाते हैं? इंडिया में तो डेल्टा है, लेकिन यहाँ पूछा गया है यूनाइटेड किंगडम का, तो यूनाइटेड किंगडम का राइट आंसर होगा अल्फा, ठीक है। अगर इंडिया पूछता तो इंडिया का राइट आंसर होता है डेल्टा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा अल्फा, जो कि यूके यानी किंगडम ब्रिटेन के लिए कहा गया है, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पर जनरल स्टडीज के खत्म क्वेश्चन हो चुके हैं, आप सेक्शन नंबर 20 स्टार्ट हो चुका है, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर का सेक्शन मिलेगा, अब आपको आगे 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के मिलेंगे, जिसका हमारा 41वां नंबर क्वेश्चन 41 से लेकर 120 तक पूरा एग्रीकल्चर मिलेगा। 41वां क्वेश्चन है, किस मृदा भाग में सबसे अधिक CEC होती है? तो मेंट्रो मोरलिनाइट में सबसे अधिक CEC होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंट मोरलिनाइट। ओके, 42 होगा, रंजीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची को सुमेलित किसे कि जो यहाँ पे मैच दिए गए हैं, लिस्ट को उसको मैच करना, लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड से। तो गाइस, इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर डी है, आप लोग देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन मैच कर लो, आप अपने क्वेश्चन पेपर में जाके मैच कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो का फोटो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको मैच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप है, क्रॉप के बाद उसका मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा गया है फॉर सर्टिफाइड सीड, यानी कि प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी कितनी होनी चाहिए पर क्रॉप। तो गेहूँ का 3 यहाँ पे दिया गया, कपास का 50 दिया गया, टमाटर का 35 दिया गया है, और फूल गोभी का 1000, इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है, गेहूँ में 3 ये बिल्कुल सही है, 3 मीटर की दूरी पे, टमाटर 25 मीटर, फूल गोभी 1000 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास सही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती में निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं? तंबाकू में ये 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रक्रियाओं का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉपिंग प्रक्रिया होती है, उसके बाद सकर निकालने का प्रक्रिया, उसके बाद प्राइमिंग प्रक्रिया होती है, यानी कि सबसे पहला जो होता है वो डिसकरिंग होता है, उसके बाद टॉपिंग होता है, उसके बाद प्राइमिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1 ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है, 46, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, ठीक है, यानी कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ मैच लिस्ट सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा क्या सही आंसर होगा।
47th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के तने का घसेला रोग यानी कि क्रेसिस सूट डिजीज ऑफ शुगर कैन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा, इसका राइट आंसर होगा, बहुत लोगों ने बैक्टीरिया मुझे बोल रहे थे बट जब मैंने इसको गूगल पे मैच किया तो इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्त माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है और नई दिल्ली में आप ऑप्शन कोई नहीं है तो इसका नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बोल्टिंग किस फसल से संबंधित है, बोल्टिंग हमेशा से जो वेजिटेबल क्रॉप होते हैं उसमें होता है, तो इसमें वेजिटेबल क्रॉप कौन सा है, वेजिटेबल क्रॉप है हमारा यहाँ पे सुगर बीट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ मैच लिस्ट सेकेंड, तो मैच यहाँ पे लिस्ट मैच करना है, आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सब कुछ यहाँ पे मोस्टली जो एग्रीकल्चर क्वेश्चन आया था वो पूरे तरीके से क्वेश्चन मैच करने को आया था, यानी कि लिस्ट मैच वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन करेक्ट ऑर्डर एंड सिलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स, ये कोड दिए गए हैं और इसको सही क्रम में व्यवस्थित करके यहाँ पे करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि पहले होता है विविधता का उत्पादन, उसके बाद वर्ड यानी कि सिलेक्शन, पहली होती क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, उसके बाद सेकंड होता है सिलेक्शन, उसके बाद होता है यहाँ पे एवोल्यूशन, उसके बाद होता है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 31254 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल इज कॉरपोरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेशन का कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ ओपन वॉल्यूंट्री एसोसिएशन ये बिल्कुल सही है, ये हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस भी बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल ऑफ फार्मर सर्वर सोसाइटी ये बिल्कुल गलत है, फार्मर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, एच ए एन पी वी इज यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसका राइट आंसर होगा एफिड, यानी कि सरसों में एच ए एन पी वी उपयोग किया जाता है और सरसों में सबसे अधिक जो बायोलॉजिकल इंसेक्ट होता है वो होता है मेफिड यानी कि माहो कीट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माहो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गाइस इसका राइट आंसर होगा एन बी ए आई आर कोयम्बटूर, एन सी आई पी एम न्यू दिल्ली सही है बिल्कुल, डी पी पी क्यू एस फरीदाबाद सही है, एन आई पी एच ए एम सही है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एन बी ए पी आर कोयम्बटूर, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, फिर से हमें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो जो कि ब्लैक रेस्ट होता है बार्ली में होता है, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट पैडी में होता है, स्टेबिलिटी पिजन पी में होता है, लेकिन गन्ने में कभी भी चारकोल रोट नहीं होता, यानी कि गन्ना कभी भी काला नहीं होता, वहाँ पर रेड रॉट होता है, चारकोल रोट नहीं होता है, ठीक है, अगर यहीं पे लाल सड़न होता है तो ये ऑप्शन नंबर सही होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया चारकोल रोट तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए गन्ना इसका राइट आंसर होगा। संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है, ठीक है, सॉरी है, संचार की प्रक्रिया में कौन सा श्रव्य साधन है, तो कठपुतली तमाशा श्रव्य यानी कि सुनने वाली चीज़ नहीं, देखने वाली चीज़ है, स्लाइड शो भी सुनने वाली चीज़ नहीं है, भी देखने वाली चीज़ है, ड्रामा भी सुनने वाली चीज़ नहीं, भी देखने वाली चीज़ है, तो यहाँ पे सुनने वाली चीज़ पूछा गया, सुनने वाली चीज़ है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जन संबोधन प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूट्रियोपोनिक्स, न्यूट्रोपोनिक्स क्या है, तो न्यूट्रोपोनिक्स का राइट आंसर होगा कल्टीवेशन इन वाटर, ठीक है, पानी में खेती करने की प्रक्रिया को न्यूट्रोपोनिक्स या फिर हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, यहाँ पे न्यूट्रोपोनिक्स पूछा गया है, तो न्यूट्रोपोनिक्स यहाँ पे कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स होता तो यहाँ पे होता पानी में खेती, ओके। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आम की प्रजाति सिंधु की संकर है, यानी कि सिंधु किस वैरायटी का क्रॉस है, मैंगो की किस वैरायटी का क्रॉस है, तो ये है रत्ना प्लस अल्फांसो का, यानी कि रत्ना और अल्फांसो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, टू स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों को यहाँ पे सही क्रम से बैठाना है और एक स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट में बताना है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है कि दोनों ए और आर सही नहीं है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट में, फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप इसको बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक, कुछ बड़े क्वेश्चन दिए जिसमें आपको माइंड यूज़ करना था, वो चीज़ आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाद में आप उसको सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। रोगिंग इज द परफॉर्म, रोगिंग क्रिया की जाती है, तो रोगिंग हमेशा जो प्लांट होते हैं, जो डिजायर्ड प्लांट होते हैं उनके प्लांट्स यानी कि उनके जैसे जो भी पौधे होते हैं उनमें जो अवांछित किस्म के जो डिजायर्ड प्लांट होते हैं उनसे उनके पौधों को निकालने की प्रक्रिया को रोगिंग बोला जाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती है, या मृदा की सीमांत उपयोगिता हमेशा से निगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, वो हमेशा सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट
इन, नेगेटिव और जीरो, ऑप्शन नंबर दो और तीन दोनों सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल दो और तीन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, गेहूं में मोलिया रोग नेमाटोड के कारण होता है। तो गेहूं में मोलिया रोग जो होता है वो हेटेरोडोरा एवेन्यू नेमाटोड के कारण होता है। हेटेरोडोरा एवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द इरिगेशन एफिशिएंसी एंड बेसिन फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन, चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई की विधि की दक्षता क्या है? तो 40-45% है। अगली बात करते हैं, यहाँ पे मैच लिस्ट फर्स्ट विथ मैच लिस्ट सेकंड, यहाँ पे मैच वर्सेस लिस्ट आपको मैच करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आलू में लेट ब्लाइट होता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ठीक है, आलू बिल्कुल सही है, टमाटर में अर्ली ब्लाइट होता है ये भी बिल्कुल सही है, बैगन में रेड रॉट बिल्कुल गलत है, बैगन में रेड रॉट नहीं होता, रेड रॉट होता है शुगर केन में, भिंडी में येलो वेन मोजैक ये भी बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी बैगन गलत है, बैगन में लाल सड़न नहीं होता, लाल सड़न हमेशा से गन्ने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 66 नंबर, गैलेरिया मेलोनेल एक प्रकार का रेशम कीट है, ठीक है। गैलेरिया मेलोनेल एक प्रकार का रेशम नासी कीट है, यानी कि यह सिल्क वर्म को खराब कर देता है, सिल्क वर्म का मारने वाला जो इंसेक्ट पेस्ट है वो है गैलेरिया मेलोनेल। अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा के पीएच मान पर 9.0 प्लस हाइड्रोक्सी आयन ओएच की सांद्रता है, तो इसका 10 पावर माइनस 5 मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है, इसको सुमिलित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3421, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा 3, इसका होगा 2, इसका होगा सी का 2 होगा, स्ट्रॉबेरी का फर्स्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्त अगला बात करते हैं, मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेनी क्रॉप्स बिकॉज, नर बंधता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि यह अनुवांशिक विपुंसन का साधन है, इट इज मींस ऑफ जेनेटिक इमेस्कुलेशन, ये एक प्रकार का जेनेटिक इमेस्कुलेशन है, तभी यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी का उपयोग किया जाता है। अगली क्वेश्चन है, बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड एज द स्टेज ऑफ, बेबी कॉर्न की तोड़ाई कब की जाती है? तो सिल्क, जब उसका सिल्क होता है उसके 2-3 दिन बाद, यानी कि जब भी सिल्क निकलता है उसके 2-3 डेज आफ्टर सिल्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? तो चिनिपोडियम एल्बम बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, चिनिपोडियम एल्बम यहाँ पे खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 4312। दोस्त अगला क्वेश्चन भी मैचिंग से रिलेटेड है, जो कि आप लोग देख सकते हो, सूची एक को मैच नंबर टू को लिस्ट टू से मैच कीजिए और यूज कोड को जो नीचे कोड देंगे उसको यहाँ पे मिलान कीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जो भी मैच वाले क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में आप इसको फ्री होने पर अच्छे से सॉल्यूशन दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ, बट आंसर देखने के बाद आपको खुद से भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एटीक इज कंपोनेंट ऑफ एनएटीपी, ठीक है, एटीक किसका कंपोनेंट है? एनएटीपी का। अगला क्वेश्चन, नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से कहते हैं, नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से खादर मृदा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, तो ये होता है वायु परत बनाना, यानी एयर लेयरिंग द्वारा यहाँ पे कॉमर्शियली प्रोपेगेट किया जाता है लीची का पौधा। दोस्त हमारा अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीकी है? तो ये है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र ने संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में सोल्यूशन देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पूरी सोल्यूशन आपको बता दूंगा, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हो, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको वहाँ पे सोल्यूशन के साथ आपको पूरी एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 79th क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तय करने के आधार पर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस बेस पे रेडी किया जाता है, किस बेस पे प्रिपेयर किया जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP हमेशा से एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि औसत उत्पादन लागत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप है, तो सीट इरोजन सबसे जो डिमेजिंग फॉर्म है सॉइल इरोजन का वो है शीट इरोजन। दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है? तो ये है अर्का सुप्रभात H14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की लंबवत काट को कहते हैं, मृदा की लंबवत काट को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, यानी मृदा रूपरेखा।
अगले क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग कब करना चाहिए? धान का फसल में उर्वरकों का प्रयोग केवल अपचयित क्षेत्र में निर्देशित किया जाना चाहिए, यानी कि केवल दो सही है, अपचयित एरिया। अगला क्वेश्चन भी मैच लिस्ट मैच करने वाला है, यानी कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ मैच लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी कि ए का डी आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी, एक आंवले का हाथी झूल है, केला का यहाँ पे खरी छाल है, सपोटा का यहाँ पे बंगलोर है, बैर का यहाँ पे खीरा है। ओके, राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन भी मैचिंग वाले क्वेश्चन है, लिस्ट से मैच करना है कि कौन सा सही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो कौन कौन से शब्द हैं और किस वैज्ञानिक ने उसको दिया है। जो पहला शब्द है अनुवंशिकी का, इसको कौन से वैज्ञानिक ने दिया है? अनुवंशिकी को ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी वेटसन डब्लू, ठीक है। विरासत के सिद्धांत किसने दिया था? विरासत का सिद्धांत दिया था जी मेंडल ने। उसका परिवर्तन दिया था ह्यूगो डी ब्रिज़मे, म्यूटेशन दिया था ह्यूगो डी ब्रिज़मे। उसके बाद क्रोमोसोम में जीन दिया था यहाँ पे मोर्गन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ये सही है, सबके सब सामने वाले सही हैं। अगला क्वेश्चन है मक्का में, अरे किस प्रकार यहाँ पे कथन दिए गए हैं जो कि सही है, उसको यहाँ पे आपको करना है। मक्का C4 टाइप का प्लांट है, तो बिल्कुल सही है, मक्का C4 टाइप का प्लांट है, यानी ऑप्शन नंबर एक सही है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्रेंज एनाटॉमी C4 पौधे को कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्रेंज एनाटॉमी भी C4 पौधे में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितने गहराई का जल बाहर निकल जाता है उसे कहते हैं उसका ड्रेनेज कोफिशियंट, यानी जल निकास गुणांक, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा सी, जल निकास गुणांक। दोस्त अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची टू यानी कि मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन इस बार दिए थे DHO के क्वेश्चन में मैच लिस्ट का, ठीक है, लिस्ट के थ्रू क्वेश्चन को मैच करना था। तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर में दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, जितने भी मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसको रिविजन कीजिए अगर आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व ना जाता है? मॉलिब्डेनम को नैनो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। 19th क्वेश्चन है, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग पोटेशियम के डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी एरिड हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चरल कहाँ पे स्थित है? तो ये है राजस्थान के बीकानेर जिले में। दोस्त अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में, ठीक है, मुंबई में स्थित है, वैसे नागपुर भी आप मान सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो घरेलू मक्खी यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। फल मक्खी डिप्टेरा गढ़ से है, सरसों की जो आरा मक्खी है एफिड वो हाइमनोप्टेरा से, ड्रैगन फ्लाई ओडोनेटा से है, लेकिन यहाँ पे घरेलू मक्खी कोलियोप्टेरा से नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जल संग्रहण का क्षेत्रफल होता है तो वो होता है 700 हेक्टेयर से कम होता है, ठीक है। दोस्त अगला क्वेश्चन है, फल मक्खी कद्दू फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है, यानी कि फल मक्खी जो होती है वो किस फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है? आप जितनी भी यहाँ पे फ्रूट फ्लाई है देखोगे, आप उनके जो भी कद्दू के पौधे होते हैं, यानी कि जो भी स्किन फ्रूट होता है, वो जो पंपकिन होता है उसके जो प्लांट की लीफ होती है उसकी निचली परत में हमेशा फ्रूट फ्लाई अपना एग देता है, यानी कि जो फल मक्खी का अंडा होता है वो कद्दू के पत्ती की निचली सतह में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन भी सूची से है, आप इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाक्सी श्वसन को कहते हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यमकालीन मृदा को ऑर्डर में रखा गया, तो इसको वर्टिसाल्स ऑर्डर में रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वर्टिसाल्स। 99th क्वेश्चन है, निम्नलिखित चूना युक्त पदार्थों का उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रीज इज क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, ये राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भी मैचिंग वाला है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ मैच लिस्ट सेकंड, द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो गिविंग। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, सी राइट आंसर, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्तों वाले खरपतवार को नष्ट करने में होता है? तो 2,4-D हमेशा से
गेहूं जैसे बड़े पौधों में वेस्ट साइड के लिए जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें चौड़ी पत्ते जिनकी होती जो चौड़ी पत्ती वाले वीड होते हैं उनको नष्ट करने के लिए 240 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है? दोमट मृदा में अधिकतम उपयोग जल क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, कॉब डगलस प्रतिपादित किया कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है, यानी कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये किसने प्रपोज्ड किया था? तो कॉब एंड डगलस ने ये प्रपोज्ड किया था कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दोस्त अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चने में फली छेदक होती है, बिल्कुल सही है। प्याज में थ्रिप्स होता है, ये भी सही है। धान में तना छेदक होता है, ये भी सही है। लेकिन सुगर केन में ब्राउन प्लांट हॉपर नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ब्राउन प्लांट हॉपर दूसरे होते में होता है, ठीक है, जो पत्तियों में ब्राउन छेद कर देता है, यानी होल करता है, वो भी कलर का कलर होता है ब्राउन कलर का। अगला क्वेश्चन भी मैचिंग वाला है, मैच लिस्ट करने को, आप इसको मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन 106 है क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 107 भी, क्वेश्चन नंबर 107 भी मैचिंग का क्वेश्चन, आप लोग भी इसको सही कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइनेसिस एक शारीरिक विकार फसल से संबंधित है, तो राइनेसिस जो संबंधित है वो है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी से, ठीक है, जो कि एक फूल गोभी का फिजिकल डिसऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का ही, राइट द मैच लिस्ट विथ मैच सेकेंड लिस्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिविंग बिलो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2134, आप लोग इसको बाद में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मैचिंग वाला ही है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही है। ओके, यानी कि जो क्लास ऑफ सीड है, सीड का कलर टैग यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रीडर सीड गोल्डन येलो का होता है, फाउंडेशन सीड व्हाइट कलर का, सर्टिफाइड सीड पर्पल कलर का, टीएल सीड होता है ब्लू कलर का। अगला क्वेश्चन भी मैचिंग से रिलेटेड, आप भी इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख ले सकते हो, बाद में इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से माहों की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था कौन से है? जो माहों होते हैं, जो सरसों होते हैं, ठीक है, सरसों, जो सरसों का मस्टर्ड का प्लांट होता है उसमें जो एफिड होती है उसका जो डैमेजिंग स्टेट होता है वो कौन सा होता है? एडल्ट और निम्फ का, यानी कि प्रौढ़ और निम्फ स्टेज में ये पौधों को हानि पहुंचाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैचिंग का ही, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में सॉल्यूशन इसका सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर दूंगा। अगला क्वेश्चन में मैचिंग का ही, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स, ठीक है, तो अंडे में क्या पाया जाता है? तो अंडे में हमेशा एल्ब्यूमिन होती है। ओके, दूध में क्या होता है? दूध में केसीन होता है। मांस में क्या होता है? मांस में होता है मायोसिन। ऊन में क्या होता है? ऊन में होता है कैरोटीन। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आप इसको बाद में अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 115 है, किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो अमोनियम सल्फेट में, जो सल्फर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट भी दिया गया, लेकिन उससे ज़्यादा जो स्मेल आती है, मटेरियल है सल्फर का, वो है अमोनियम सल्फेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर होगा, मोलिब्डेनम जेंथिन के अक्सर रखले तत्व उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रेशन में मोलिब्डेनम तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है? ठीक है, तो रिले क्रॉपिंग मेज में भी होता है, पोटैटो में भी होता है, वीट में भी होता है, मूंग में भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग। क्वेश्चन नंबर 118 है, विच मेथड इज नॉट ऑफ ब्रीडिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉप पॉलिनेटेड क्रॉप्स? इसका राइट आंसर होगा पुनरावृत्ति वर्ण, यानी रिकरेंट सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ मैच लिस्ट सेकंड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो ऑफ द लिस्ट। कुछ क्रॉप दिए गए हैं और उनकी ओरिजिन आपको बतानी है, ठीक है, कौन सी क्रॉप कहाँ से ओरिजिन, उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, वो चीज़ बता के आपको यहाँ पे मैच करना है। जो लौकी है, लौकी का जो ओरिजिन है वो है हिंद इंडो चाइना। ओके, जो भिंडी है, भिंडी का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है अफ्रीका, ठीक है, जो फुल गोभी है यानी कॉलीफ्लावर, उसका जो ओरिजिन है, लिस्ट ऑफ ओरिजिन, वो है मेडिटेरियन एरिया। चौराई का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है साउथ अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, 1 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 120 एंड लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया, उसका एग्जांपल बताना है, ठीक है। कंडीशन में लिस्ट फर्स्ट में कंडीशन है फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा यहाँ पे साफ साफ सा चीज़ है, आई चोर्निया।
ठीक है, आइचोरनिया इसका राइट आंसर होगा, इसके ठीक सामने वाला। ऑप्शन नंबर बी का सेम उसके सामने वाला टाइफा, ऑप्शन नंबर सी का मार्जिनल एक्वेटिक वीड का सेम उसके सामने वाला रूमेक्स स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण खतवार एब्सोल्यूट वीड का साइप्रस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 1, 2, 3, 4। गाइज मैं पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम आ तो आप यहाँ पे हमसे पीडीएफ ले सकते हो, पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन होकर पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही सारी एग्रीकल्चरल जॉब की अपडेट विद पूरी एग्रीकल्चरल क्वेश्चन, सभी एग्जाम्स की क्वेश्चन के सोल्यूशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तमाम एग्रीकल्चरल जॉब वैकेंसी आने पर यहाँ पे आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहेंगी। एग्री अपडेट्स फैमिली ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।